कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर। ओके, तो नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी खरीदी किया, फॉर एग्जांपल मोबाइल वगैरह खरीदी किया, तो यहाँ पे हमको जितना खरीदी किया है ना, उतना ही पैसा हमको देना पड़ता है। वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 6,000 तो ईएमआई में हम पे करेंगे, लेकिन 60,000 पे करेंगे, नॉट एनी एक्स्ट्रा मनी। सो दैट इज़ अ नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर। ओके, तो आज वो हम क्रिएट करने वाले, तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रहता है नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर। तो यहाँ पे देखोगे, इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ मेरी ईमेल आईडी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखेगा। ओके, गाइस, तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर डाला, देन यहाँ पे मैं अब मैं पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप कैसे दिखेगा हमको। दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, तो यहाँ पे दिख रही है आपको ऑप्शन, दिख रहा है नो कॉस्ट ईएमआई ऑन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमको सेलेक्ट करना है, देन अप्लाई करना है ऑफर। देन यहाँ पे देखो गाइस, नो कॉस्ट ईएमआई, देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे देखो गाइस, मुझे ऑफर्स मिल रहे, राइट, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, तो ये मैं कौन सा भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं पेमेंट कर सकती हूँ। ओके, तो इसको कैसे क्रिएट करने का वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट नो। ओके गाइज, तो समझो आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है? तो आपको जाना है फर्स्ट ऑफर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ऑफर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जाना है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इस ऑफर को मैं डिसेबल कर देती हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे, नया ऑफर क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसको मैं डिसेबल कर रही हूँ। और एक बात, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स एंड और सभी लाइव मोड जो रहता है ना, हमारा वहीं पे वर्क होगा। एंड लाइव मोड में आपके पास एपीआई की, लाइव यूज़ एपीआई की रहनी चाहिए, तभी वर्क होगा, नहीं तो नहीं वर्क होगा गाइज। ओके, सो दिस आई वांट टू टेल, लाइक लाइव एपीआई के ऊपर ही उतना वर्क होता है, नहीं तो वर्क नहीं होता। ओके, तो जाना है हमको क्या करना है, हमको जाना है ऑफर्स में, एंड यहाँ पे आना है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट न्यू ऑफर कैसे क्रिएट करने का उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया गाइज। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करो, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देखो कि हम क्रिएट ऑफर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, और ये वीडियो पूरा देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ओके ओके फाइन, तो आपको जाना है क्रिएट नो लो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर। ओके, तो इससे पहले अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जो मैंने लास्ट टाइम भी ओपन किया था, तो सेम डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके गाइज, सो ईजी हो जाएगा आपको करते वक्त भी। तो यहाँ पे होली धमाका है, सॉरी दीपावली धमाका है, तो हम यूज़ करेंगे गुड़ी पाड़वा। ओके, सो अभी गुड़ी पड़वा आने वाला है, युगादी उसको बोलते हैं, गुड़ी पड़वा ऑफर करके हम देते हैं यहाँ पे। ओके, देन डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट में हम क्या यहाँ पे क्या देंगे, हम नो कॉस्ट, देन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई। ओके, ये डिस्प्ले होना चाहिए जब हम पे करते हैं तब। ओके गाइज, ओके, तो दिस इज़ अ नो कॉस्ट ईएमआई, देन यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर से, देन टर्म्स एंड कंडीशंस हमको यहाँ पे डालने हैं, तो यहाँ पे हम ऑफ़र भी डालेंगे। तो गाइज, आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस डालो कि ऑफर इज़ अप्लाइड ओनली फॉर परचेज अबो INR 3,000, INR 10,000। समझो आपने 10,000 का कुछ भी परचेस किया तो तभी उसको उतना ही नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा गाइस। ओके, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो और भी आप कंडीशंस दे सकते हैं, मैंने अभी के लिए एक ही दे। ओके गाइस, तो इतना करना है हमको। देन हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, द कस्टमर विल पे द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमको क्या करना है, प्राइस पे करना है, तो मिनिमम ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 3,000। मैक्सिमम वो कितना तक भी ऑर्डर कर सकते, तो वही हमको यहाँ पे डालना है। तो मिनिमम में यहाँ पे डालती हूँ 10,000, यहाँ पे अभी 3,000 नहीं रहता, राइट गाइस, 5,000 के अबो रहना चाहिए अभी। ओके ओके, सो मैक्सिमम ऑर्डर हम क्या करेंगे, 4 लाख तक देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा, देन यहाँ पे आ गया मिनिमम ऑर्डर, यहाँ पे आ गया मैक्सिमम ऑर्डर, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट करेंगे,
ओके okay? तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस एप्लीकेबल ऑन ई श्योर, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बैंक को आपको EMI नो कॉस्ट EMI अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे देती हूँ HDFC बैंक, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कौन सा आप टेन्योर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगी 3 मंथ, 6 मंथ का भी देती हूँ मैं, 9 मंथ का भी देती हूँ, 12 मंथ का भी, 18 मंथ का भी, ओके okay? और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है नो कॉस्ट नो कॉस्ट नो कॉस्ट नो कॉस्ट सभी तरफ, ओके okay? तो ऐसे लेकर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा क्या है, सिर्फ 0 है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, जितना परचेस करते हैं उतना ही हमको पे करते हैं, उसको बोलते हैं नो कॉस्ट, ओके। तो हमारा EMI का टेंडर भी खत्म हुआ, देन हमको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ओके okay? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑन दिस एंड एक्सपायर भी हम डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ डेट 24, देन ऑन पेमेंट फेलियर तो यही देना है अलाउ कस्टमर, मैक्सिमम 100 टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, देन ऑफर विल बी अवेलेबल ओनली ऑल कस्टमर्स ऑन चेकआउट, ओके सभी कस्टमर को ऑफर अप्लाई है, ओके तो ये हो गया हमारा ऑफर वैलिडिटी, हो गया या गाइस देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्काउंट टाइप हो गया, एप्लीकेबल ऑन ऑफर वैलिडिटी भी हो गया, ओके अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ओके तो ये सारा ओवरव्यू दिखेगा आपको, एक बार चेक करो, देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, देन यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रिएट ई एम ऑफर, तो हमारा ऑफर अभी क्रिएट हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस हमारा ऑफर यहाँ पे क्रिएट हुआ है ऊपर का, गुड़ी पड़वा ऑफर नो कॉस्ट इनेबल्ड है, ओके तो अभी समझो हमको ये ऑफर देखना है, तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, हमारे पेमेंट पेज पे, ओके यहाँ पे मतलब कौन से पेज के ऊपर दिखेगा जहाँ पे 10,000 के ऊपर परचेस होता है, ओके तो मैं यहाँ पे पेमेंट पेज के आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ऑफर मुझे दिखना चाहिए, ओके तो मैं अभी यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ, ओके इस लिंक को, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑफर दिखेगा, देखो गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है नो कॉस्ट EMI, राइट तो मुझे दिख रहा है नो कॉस्ट EMI, एंड यहाँ पे मैंने 12,000 अमाउंट डाला है, ओके मतलब फिक्स अमाउंट कितना 12,000 और 10,000 ऐसे आप दे सकते हो, ओके गाइज देन ईमेल फ़ोन नंबर ऐसे यहाँ पे सब कुछ है, मैंने एक पेमेंट पेज बनाया तो आपको और एक पेमेंट पेज बनाना पड़ेगा डिफरेंट, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं पेमेंट पेज, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मुझे 10,000 का मैंने कुछ तो परचेस किया, ओके तो मुझे 10,000 का चाहिए, तो आप यहाँ पे बना सकते, इट डिपेंड्स, ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा एक पेमेंट पेज है, तो पेमेंट पेज में मैं कुछ तो मतलब मैंने अभी मोबाइल फ़ोन ख़रीदी किया समझो, उसका कॉस्ट कितना है अभी 12,000 है, तो मुझे क्या लगेगा इस 12,000 के ऊपर EMI कैसे होगा, वो मुझे ऑफर्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, 12,000 हम कैसे पे कर सकते, कितना कितना अमाउंट, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, सब कुछ हमको दिखेगा, ओके समझो आपने 10,000 का परचेस किया तो 10,000 तक दिखेगा, 10,000 के बिलो परचेस किया तो वहाँ पे EMI ऑफ मतलब नो कॉस्ट EMI अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 10,000 के अब वो अप्लाई होगा, ओके तो यहाँ पे मैं डालती हूँ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ओके गाइस ये डाल के मैं नेक्स्ट पे करती हूँ, ओके गाइस तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने ईमेल आईडी डाला, देन मैंने फ़ोन नंबर डाला, देन अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, ओके तो मुझे अभी EMI ऑफर दिखना चाहिए बिकॉज 12 क्या वो है मेरा अमाउंट, तो यहाँ पे देखो गाइस न्यू नो कॉस्ट EMI ऑफर मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, अप्लाई ऑफर करूँगी नो कॉस्ट EMI क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मैं HDFC बैंक सेलेक्ट करती हूँ, देन यहाँ पे मैं कौन सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैं पेमेंट पे समझो, मैंने 6 मंथ लेकर किया तो मुझे 2,000 पे करना पड़ेगा, 9 मंथ किया तो इतना, 8 मंथ किया, 18 मंथ किया तो इतना, 24 किया तो इतना, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन थे, ओके देन यहाँ पे से लेकर के हम पेमेंट मतलब हम हमारा EMI अभी चालू हो जाएगा, ओके गाइज दिस इज़ फॉर EMI ऑफर कैसे अप्लाई होता है, ओके तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि EMI नो कॉस्ट EMI कैसे क्रिएट करने का, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरा लाइव APR तो पे हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पे हो जाएगा गाइज, ओके तो दिस इज़ द, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस इसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ हुआ, हमने सब कुछ किया, ये भी हुआ, देन ये भी हुआ, ओके देन हमने पेमेंट पेज बनाया, उसको एक्टिवेट किया, उसको ओपन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस EMI ऑफर में है, देन यहाँ पे ना हुआ, तो हम एक प्लान सेलेक्ट करके हमको पे करना है, ओके तो इसको हम डिजेबल भी कर सकते हैं हमारे अकाउंट को, और एक मैं आपको दिखाऊंगी समझो मैंने लेस परचेस किया है तो उसको कैसे करने का वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे और एक पेमेंट पेज बनाना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं ऐसे बनाती हूँ EMI ऑफर, ओके तो कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा, आई थिंक डालना पड़ेगा, विदाउट डाल के देखेंगे, ओके तो
तो यहाँ पे मैं फिक्स प्राइस देती हूँ कितना एक्स्ट्रा अमाउंट, 5,000 देती हूँ। ओके गाइस, मुझे दिखाना है कि 5,000 को ईएमआई ऑफर होता है कि नहीं। ओके तो मैंने यहाँ पे 5,000 दिया है गाइस, देन यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगी, क्रिएट करूँगी, सब कुछ जानना पड़ेगा मुझे, कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। ओके मैंने मोबाइल नंबर बड़ा वाला कॉन्टैक्ट नंबर, अब मैं क्रिएट एंड पब्लिश करूँगी मेरा पेज। गाइज मैंने थोड़े डिटेल्स नहीं डाले, ऐसे मैं आपको दिखाना है इसलिए बना रही हूँ। देन गाइज मैं इसको कॉपी करती हूँ अभी इस पेज को, एंड मैं यहाँ पे आ गई। अभी मेरा कितना है, 5,000 है। ओके मैंने ऐसे समझो कि मैंने 5,000 का परचेज़ किया है। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ ईमेल आईडी, यहाँ पे डालती हूँ नंबर, एंड यहाँ पे मैं पे करती हूँ। तो अभी मुझे ऑप्शन नहीं दिखेगा, देखो गाइज मुझे ऑप्शन दिख रहा है ईएमआई का, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा अमाउंट कितना, 5,000 के बिलो है, वो 10,000 के अबो रहना चाहिए, तभी मुझे ऑफर अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके तो ये दिखाना था मुझे आपके लिए, इसलिए मैंने और एक क्रिएट किया। अभी मैं इसको डिजेबल करूँगी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भी सारे स्टडी करके ये सब कुछ वीडियो बनाया है। तो गाइज प्लीज़ आपको थोड़ा तो यूज़फुल रहा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारा सब्सक्राइब करो गाइज, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा तो आप एक लाइक तो कर सकते हो, और एक कमेंट भी करो कि आपको भी कैसा लगा ये वीडियो। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रिएट करने का ऑफर्स, नो कॉस्ट ई एम आई ऑफर। ओके तो लो कॉस्ट ई एम आई ऑफर वो भी मैं लेके आऊँगी वीडियो। तो गाइज ये वीडियो देखो, एंड वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं आपको गाइज, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। एंड और एक बात, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो गाइज प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूँगी। और ये भी मेरे रिक्वेस्टेड वीडियो है, कमेंट में आया था इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ओके गाइज, तो आप भी कमेंट करो, आपका भी वीडियो जल्दी आएगा हमारे चैनल के ऊपर। ओके गाइज, सो कीप सपोर्टिंग गाइज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।